लेकिन मेरी माँ वो कहती है कि इस लड़की से शादी कर लो, ये बहुत अमीर है, बड़े खानदान की है। अब उन्हें कौन बताए कि पैसों से खुशियां थोड़ी ना खरीदी जा सकती है। खुशियां तो मिलती है एक घर के नीचे रहने से, रोजमर्रे की जिंदगी से, कोई स्विट्जरलैंड की ट्रिप से थोड़ी ना खुशियां मिलती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वही तो, लेकिन मेरी माँ को कौन ये समझाए कि अमीरी बैंकों में नहीं दिलों में होती है। ये रिश्ते, फ्रेंडशिप, फैमिली, यही सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मैं समझ सकता हूँ, आपके पास शादी का बहुत प्रेशर हो। प्रेशर नहीं भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब I'm really sorry रघु। नहीं सर, कोई बात नहीं। I'm really sorry, वो मेरे पास इतना टेंशन है ना, इसलिए मैं तुम्हें खाम का इतना बड़ा लेक्चर दे दिया। कोई बात नहीं सर। Anyhow, बताओ तुम फाइल्स के बारे में क्या कह रहे थे? जी सर, ये कुछ फाइल्स हैं, जितने भी रिसेंट प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर्स हैं ना सर, उनकी डिटेल्स। ठीक है, आई विल चेक दिस, थैंक यू। ओह I'm sorry. नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। टेक केयर। ये ले तेरा गर्म पानी, खौलता हुआ। उम्मीद करती है तो फिर से जल जाए। सुमित्रा कुछ भी कहती रहे, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उससे हमें एक बात का तो जरूर पता लग चुका है। कि माँ जी ने हमें माफ कर दिया है। उन्हें फिक्र है हमारी। एक दिन आएगा जब माँ जी हमें पूरी तरह से अपना लेंगी, हमें पूरा यकीन है कि हमें रघु की पत्नी होने का पूरा हक जरूर मिलेगा। इस घर में बेबी जी से बहू जरूर बनेंगे हम। अरे माँ जी, आज दूध तो कितनी अच्छी निकली है ना, ये पापड़ तो जल्दी से ड्राइंग हो जाएंगे। हाँ माँ जी, गर्मी तो बहुत बढ़ गई है, इसीलिए आपके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी लाई हूँ, ये पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। कितना काम करती है माँ जी आप, थक नहीं जाती क्या? अरे घर के कामों में काहे की थकान, धीरे धीरे आदत पड़ जावे है, क्योंकि इन कामों में छुट्टी को नहीं मिलती। ये बात तो गलत है, छुट्टी बिल्कुल मिल सकती है, कम से कम एक दिन की तो मिल ही सकती है। जैसे कल आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों, कल थे लोगों की भूख हड़ताल है कहीं? नहीं माँ जी, कल मैंने हम सब के लिए पिकनिक का इंतजाम किया है। वाह पिकनिक, अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया सुमित्रा, हम लोग कहाँ गोइंग करेंगे पिकनिक के लिए? एक रिजॉर्ट है, मतलब एक पिकनिक स्पॉट है, वहां पे पूरे परिवार के लिए इंतजाम किया, मजा आएगा ना माया भाभी? हाँ बिल्कुल करेक्टिंग बात बोल रहे हो सुमित्रा तुम, बहुत मजा आएगा। अरे इतना खर्चा काहे किया सुमित्रा?